नर्सिंग होम पर लगा लापरवाही का आरोप, मरीज की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा समंदर जहां पर जांच के नाम पर सिर्फ रुपयों का खेल होता है। आए दिन प्राइवेट अस्पतालों के मामले उजागर होते रहते हैं, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खेल खेला जाता है। ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनल रोड का, जहां पर शर्मा नर्सिंग होम संचालित हो रहा है। परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि बीती रात डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हो गई। यही नहीं, स्टाफ के द्वारा यह भी कहा गया कि ऐसे मामले होते रहते हैं, हमारे डॉक्टर साहब सब मैनेज कर लेते हैं। आखिर कब तक स्वास्थ्य विभाग ऐसे खेल करता रहेगा और लापरवाही की वजह से मरीजों की जान कब तक जाती रहेगी। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज अनेकों लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। न जाने कितनी महिलाएं जो लापरवाही की वजह से बलि की वेदी में चढ़ गई। सत्येंद्र कुमार सिंह, आज कौन नर्सिंग होम है, क्या होगा? ये नर्सिंग होम है यहाँ का, रायबरेली का, गीता शर्मा नर्सिंग होम, ठीक है। हमारी सिस्टर जो थी उनको डिलीवरी होने वाली थी, आपको यहाँ पे लेके आए दिखाने के लिए रूटीन चेकअप के लिए। तो रूटीन चेकअप के लिए जब लाए तो इन्होंने बोला कि बच्चा टेढ़ा है, बहुत भारी है, यही सब बता के तुरंत ऑपरेट भी कर दिया एक दो घंटे। उसके बाद उसको जो ऑपरेशन थिएटर से आधे घंटे के बाद बाहर भी कर दिया जनरल वार्ड में। उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द होने लगा, गैस चढ़ गई। और उसके बाद मेरी माताजी बार बार बुला रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है, ना डॉक्टर आ रहा है, ना नर्स आ रही है, कोई सुनने वाला नहीं। वो परेशान है, बार बार इधर उधर दौड़ रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है। रात में 2 बज गया, तब वो पर्ची लिख के दे रहे हैं कि एक इंजेक्शन बाहर से लाना पड़ेगा 2-3 बजे रात में। अब वो इंजेक्शन कहाँ लेने जाएंगे, बताइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे ये। फिर उसके बाद वो चिल्लाती रही, चीखती रही, बिस्तर में ही उसने दम तोड़ दिया 3-4 बजे के आसपास दम तोड़ा। इस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मेरी बहन मर। अब इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लिया जाए या हॉस्पिटल को बंद किया जाए या उचित जो है जो भी डिसीजन हो तो आप सरकार का वो लिया इसके खिलाफ, ठीक है सर। सर ये में क्या हुआ है? यहाँ पे कल एक पेशेंट एडमिट की गई थी जिसमें जिसकी डिलीवरी होनी थी, जिसमें कि उसकी कैजुअल्टी हो गई अभी, तो जिसमें एक CMO साहब की तरफ से जांच कराई जा रही है, आगे जैसा रिपोर्ट हो उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। सर परिजन कह रहे थे कि उसको मुकदमा दर्ज होना चाहिए या इस तरह का, तो क्या पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई कर रही है? परिजनों ने जो आरोप लगाया है उसके संबंध में CMO साहब की तरफ से जांच कराई जा रही है, जैसी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार आगे मतलब कार्रवाई कराई जाएगी।